हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास टेंथ के एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियान कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, गैरी वाल्डी पेशे से क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, जालवेरिन एक संस्था थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1829 ईस्वी की एंड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की।